Hey guys, assalamualaikum. Welcome back to my new vlog. ये क्या था? तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि थोड़े से सब्सक्राइबर चाहिए, 4 सब्सक्राइबर्स का लालच आ गया. तो सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब. तो अभी की स्टोरी कुछ ऐसी है कि मुझे भी नहीं पता कोई स्टोरी क्या है, लेकिन हो जाएगी इंशाल्लाह. लेकिन सबसे पहले हमने ये पीछे वाली लाइट चेंज करनी है, क्योंकि इस लाइट में हम चमक नहीं रहे, तो हमें चमक चाहिए जिंदगी में. तो इसलिए ये लाइट चेंज करते हैं. सबसे पहले यहाँ पे एक ये लाइट लगी है और एक ये लगी हुई है. ये छोटी सी है तो इसको चेंज करके यहाँ पे बड़ी लाइट लगाते हैं. ये वाला बल्ब हम उस छोटे वाले को उतार के ये वाला लगाते हैं. काफी बड़ा बल्ब है, वो छोटा सा लगा के ये बड़ा वाला लगाते हैं उसकी जगह पे, फिर हमारी जिंदगी में रोशनी आएंगी. पहले इस पे खड़े होके इसको उतारे ना. उतर जा, उतर गया. ये बल्ब कितना सा लग रहा, चुटकू सा. ये अबू है, ये बेटा है इसका. अब ये वाला लगाते हैं वो उधर. तो बल्ब यहाँ पे लगा दिया है, अब यहाँ पे ऑन करते हैं. 1, 2 and 3. अच्छी खासी इस बड़े बल्ब की लाइट है. यहाँ पे जो पहले छोटा सा लगा था इसकी इतनी ज्यादा लाइट नहीं थी, और अब इसकी अच्छी खासी लाइट है. तो अब हमारी जिंदगी में भी रोशनी आ चुकी है. तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो. ये हाथ पे बैठा हुआ सब्सक्राइब बटन की तरह यहाँ पे कहीं आ रहा है, इसको सब्सक्राइब कर दो. यहाँ पे एक ये लाइट लगी हुई है और ये एक लाइट लगी हुई है, इसी के साथ का छोटा सा बल्ब लगा हुआ है. लेकिन अगर इसको बंद भी कर देता हूँ इस छोटे वाले को, तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है. इसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है. और आज इन मैडम ने कुछ उल्टा काम किया है, इसलिए ये यहाँ पे बेड के नीचे छुप के बैठी हुई है. कुछ ना कुछ इसने उल्टा काम किया है. क्या किया है रूमी? किसको मार गया ये? तो जैसा कि आपको पता है कि कुछ दिन पहले अली और मैं गए थे ड्राइविंग टेस्ट के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना था. मेरे तो टेस्ट पास हो गए थे. वो व्लॉग नहीं देखा तो एंड स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा. और टेस्ट पास होने के तकरीबन एक वीक बाद मेरा ड्राइविंग लाइसेंस भी आ गया. अच्छा, पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि आईडी कार्ड पे जब मैंने पिक बनवाई थी तब भी बुरी आई थी, और ये ड्राइविंग लाइसेंस पे पिक बनवाई है ये भी बुरी आई है. पता नहीं ऐसा होता ही क्यों है. जो भी है, हमें क्या, हमें तो ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए था, बन गया अल्हम्दुलिल्लाह. तो अभी रूमी को कैट फूड डालना है. खाएगी? भूखी है, हर वक्त भूखी रहती है. किधर है, निकल आ जा. ओ एक मिनट, पूछती भी नहीं है, खा गई बस. ओए वो भूखी रूमी कड़प करके खा रही है. कड़प. आप भी स्कूल से आ गया, और अभी हम छत पे ऐसे ही रस्सी बांध रही हैं कपड़ों के लिए. ये एक पहले की बंधी हुई है और ये बांध रही है. अब ये पता नहीं कर क्या रहा है. इसे क्यों खोल रहे हो? लेग साइड पकड़, बांध लेगा. बांध लो. ओ ये कवाजे मारिए यहाँ पे. ओ ये बैठी हुई है. आ जा. कहीं जाए ना. ओह, अभी लेट जाएगी यहाँ पे. ठुस बैठ, लेट जा. ये वहाँ पे एक बार बिल्ली आई थी, उसी की वजह से ये अब छत पे ज़्यादा आती है. वहीं पे आप जाके ये लो, बस एक्सरसाइज शुरू होगी इसकी. रूमी आ जा. यहाँ पे वो एक बार कैट आई थी ना, तो इस वजह से यहाँ पे यह बांटती है. मैं बांधूँ? जी. ये ऊपर चढ़ गया. ये ले, बांध ले, पकड़ ले. चलो किधर आए हो? बॉल लेने. उस छत से ये बच्चा यहाँ पे आया बॉल लेने. ओए रूमी आ जाओ. इसके काम देखो, साथ वाली छत पे चली गई. आ जा, चल पकड़ जल्दी पकड़. ये केज की वजह से गई है. खाली है केज. आराम से. चल यास, आ जाओ. गंदी बच्ची, आ जाओ. हाँ पे इस रस्सी को कील के साथ लटका दिया. आप सही है, चल आ जाओ. क्या कर रहा है? बहुत ज़्यादा शैतान हो गया. अभी हम जा रहे हैं बाइक सर्विस करवाने, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया बाइक बुलवाया नहीं है, तो इसलिए बाइक सर्विस करवाने जा रहे हैं अभी. अरे क्या कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई बाइक की ना. ये नीचे वाली इंजन वाली जगह काफ़ी ज़्यादा गंदी हुई है, पूरा बाइक ही गंदा है. काफ़ी टाइम बाद अभी सर्विस करवाने जा रहे हैं, थोड़ा काम भी करवा लेंगे. तू ना इसकी आज बाइक का थोड़ा काम करवाना था, ट्यूनिंग वगैरह और ऑयल चेंज करवाना है. लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि इसको पहले सर्विस करवा लिया जाए, क्योंकि इंतहा की मट्टी लगी हुई है. अभी ये पहले सर्विस होगा और उसके बाद इसके बाकी काम करवाएंगे, और तब तक इसके ट्यूशन का भी टाइम हो जाएगा ना. ट्यूशन का नाम सुनने के बाद ना इसका रंग उड़ जाता है चेहरे का. अभी लिखा हुआ है मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ना करें, और अभी मैंने पढ़ा है, तो रखते हैं फ़ोन भाई. आ जा साइड पर आ जाइए, ऊपर लिखा हुआ है सबसे. ओए
बाइक अपना धुल गया, सही साफ सुथरा हो गया। क्या कर रहा है? सर्विस होने के बाद इसकी लुक ही चेंज हो गई है। अभी हम आए हैं इसकी ट्यूनिंग, ऑयल और ब्रेक्स वगैरह चेक करवानी है, सही करवानी है, और उसके बाद ट्यूशन मैकेनिक बन के आप चले। ओए हेलो, चल आजा, चलो। अभी रात को मैं घर छोड़ने जा रहा हूँ पैदल, क्योंकि बाइक हमारा शॉप पे खड़ा हुआ है, ठीक करवाने के लिए उधर ही छोड़ के आ गए। इसका ट्यूशन का टाइम था तो मैंने कहा इसको पहले घर छोड़ो ताकि ट्यूशन से लेट ना होती। अपने बाइक का ऑपरेशन हो रहा है, सब कुछ खुल गया इसका, इंजन ऑयल ब्रेक और बाकी छोटी मोटी चीज़ें लाइट्स वगैरह। शाम हो रही है और टाइम तकरीबन 5 हो रही है और बाइक का भी काम ऑलमोस्ट डन हो चुका है। बस यहाँ पे एक टेपिंग करनी थी जगह पे, वो करें हैं बस, उसके बाद घर जाना है। पिछले 2.5 घंटे से एक ही जगह बैठ बैठ के बोर हो गया था। बाइक का भी काम ख़त्म, यस हो गया, बिल भी पकड़ा दिया ने, लंबा सा 3030 रुपये बने हैं बिल। जा कपड़े पहन, जैकेट पहन। अच्छा अभी मैं घर आया हूँ और आधे साथ सबसे पहले कॉफ़ी बनाई है, कॉफ़ी पीनी थी क्योंकि सर में दर्द होने लग पड़ा था वहाँ पे बैठ बैठ के। तो जब मैं शॉप से निकल रहा था तो कहते हैं कि आपके मैंने पैसे कम ऐड पूरे नहीं किए। मैंने कहा किस चीज़ के रहते हैं, तो कहते हैं ब्रेक शू के। मैंने कहा कितने ही करते हैं, 300। मैंने कहा 300, तो ये फिर टोटल हुआ था 3,300 रुपीज बिल। 3,300 तो यहाँ पर 3,030 वो 3,000 नहीं ऐड किया, 300 रुपीज ऐड बाद में किए हैं ब्रेक शू के, बाद में लिए। हाँ भूल गए थे ऐड ब्रेक शू, स्प्रिंग ब्रेक शू पता ही नहीं है। हम फूड पांडा से ऑर्डर करने लगे हैं पिज्ज़ा, पिज्ज़ा मीडियम पिज्ज़ा करेंगे, मीडियम। एक फ्लेवर कर लेंगे चिकन टिक्का और दूसरा फ्लेवर कर लेंगे फजीता। ऐड टू कार्ट, पेमेंट। अभी पिज्ज़े का ऑर्डर प्लेस कर दिया और तकरीबन 40-50 मिनट्स लगेंगे और ये 40-50 मिनट्स अब गुजरे जल्दी जल्दी ताकि पिज्ज़ा आए मस्त वाला। बड़े ही सब्र के बाद ना अपना पिज्ज़ा आ गए हैं और अच्छी बात यह है कि राफ लोग भी आ गए, मार्केट गए हुए थे, अकेले खाने का मज़ा नहीं था, अब पार्टी होगी। तो बस आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, मिलते हैं एक और व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।